सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो हमने जो फंक्शन था साई, जो हमने फंक्शन माना था आर थीटा और फाई की टर्म में, हमने अलग अलग तीन फंक्शन की टर्म में डिफाइन किया था, और उसमें से दो, है ना, आर के ऊपर डिपेंडेंट और फाई के ऊपर डिपेंडेंट, दोनों फंक्शंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। थर्ड और लास्ट हमारे पास इक्वेशन बची थी कौन सी, जो इक्वेशन डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही थी, उसका सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी जिसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 7, हमने दिया था साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम कह दें, सपोज दैट एक फंक्शन में डिफाइन कर दूँ, मैं कह दूँ कि एक्स इक्वल्स टू हमने डिफाइन कर दिया कोस ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। अगर एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, कोस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह दूं कि अगर मैं डेल एक्स अपॉन वैल्यू आगे डेल थीटा में कैलकुलेट करूं, तो वैल्यू कितनी बनेगी, साइन ऑफ थीटा विद माइनस सिंबल। और अगर मैं कह दूं डेल अपॉन डेल थीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल अपॉन डेल थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया इंटू वैल्यू आगे डेल एक्स अपॉन वैल्यू आगे डेल थीटा आ गया, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा है ये कितना बन गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा डेल अपॉन वैल्यू आगे डेल एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू देखो कितनी बनी, साइन थीटा आ गया, डेल अपॉन डेल थीटा की जगह कितना रख दें हम, माइनस साइन थीटा डेल अपॉन डेल एक्स, तो माइनस आ गया, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक है। अंदर वैल्यू कितनी बची, वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा, फिर डेल अपॉन डेल थीटा की जगह कितना पुट कर दें, माइनस साइन थीटा डेल अपॉन डेल एक्स पुट कर दें, तो माइनस आ गया साइन थीटा डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स पुट कर दिया, और वैल्यू आ गई एच की टर्म में, प्लस में वैल्यू आ गई कितना बना, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। यह वैल्यू कितनी बनी, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल एक्स, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा डेल एच अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स, प्लस एल इंटू एल प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई एच इक्वल्स टू 0 आ गया। या साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स, प्लस वैल्यू आ गई एल इंटू एल प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई एच इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो, इसी इक्वेशन को अगर अपन और आगे सॉल्व करें, तो देखो इसी इक्वेशन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स, प्लस वैल्यू आ गई एल इंटू एल प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई एच इक्वल टू वैल्यू आ गई 0 आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल अपॉन डेल एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स, प्लस वैल्यू आ गई एल इंटू एल प्लस 1 माइनस वैल्यू आ गई एम स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। या ये क्वेश्चन क्या बनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू एच अपॉन वैल्यू आगे डेल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डेल एच अपॉन वैल्यू आगे डेल एक्स, प्लस वैल्यू आगे एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन वैल्यू आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वैल्यू आगे एच इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो भी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, उस इक्वेशन को डिफाइन कर दें। अब देखो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं कह दूँ, इसमें मैं डिफाइन कर दूँ एम इक्वल्स टू 0, अगर m इक्वल्स टू 0 हो, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेगी, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेगी, हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में, है ना। अगर m इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वेशन लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेगी, जिसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो है वो किसकी टर्म में आएगा, सॉल्यूशन आएगा लेजेंड्रे फंक्शन की टर्म में,
ठीक है, इसका मतलब एच ऑफ एक्स इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूँ या मैं क्या लिख दूँ, पी एल लिख दूँ, वैल्यू लिख दूँ मैं क्या, कोस ऑफ थीटा आ गया है ना। पी ज़ीरो एक्स है इक्वल टू वैल्यू होती है 1 के बराबर, पी वन एक्स है इक्वल टू वैल्यू होती है किसके बराबर, एक्स के बराबर, पी टू एक्स है इक्वल टू वैल्यू होती है 1/2 और वैल्यू आती है अपने पास कितनी, 3x² - 1 है ना, वैल्यू पढ़ी ही हमने लास्ट मिनट में, तो एच ऑफ एक्स आ गया। तो देखो हमने तीन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, आर एज ए फंक्शन ऑफ आर, ए एल आर एज टू पावर एल प्लस बी एल आर एज टू पावर माइनस एल प्लस वन, ठीक है। इसी तरीके से एच एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई पी एल आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा आ गया। और तीसरा जो फंक्शन था टी एज ए फंक्शन ऑफ फाई इक्वल्स टू हमने कहा ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई। सॉल्यूशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, एम इक्वल्स टू जीरो के लिए हम कह रहे हैं, एजीमुथल सिमेट्री यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर फाई के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगी, यानी एम के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगी, है ना। तो हमने कहा था कि वैल्यू थी साई एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इक्वल्स टू वैल्यू थी आर आर, वैल्यू थी एच एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और टी एज ए फंक्शन ऑफ फाई। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू वैल्यू, आगे देखो वैल्यू कितनी बनी, ए एल आर एस टू पावर एल प्लस बी एल आर एस टू पावर माइनस एल प्लस वन और इंटू वैल्यू आ गई पी एल और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा। और यहाँ अपने पास वैल्यू आ गई, समीशन आ गया कहाँ से कहाँ तक, एल इक्वल्स टू जीरो से लेके इनफाइनट तक। तो जो लाप्लास इक्वेशन हमने डिफाइन करी थी, लाप्लास इक्वेशन हमने कहा था कि भाई वैल्यू थी हमारे पास कितना, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू वैल्यू थी जीरो के बराबर। ये लाप्लास इक्वेशन थी, साई जो था वो फंक्शन था किसका, आर थीटा और फाई का फंक्शन था। तो हमने कहा कि हमें इस लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करना था किसके टर्म में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमें डिफाइन करना था, आर थीटा फाई की टर्म में हमें डिफाइन करना था। तो साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू समीशन एल इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एल आर एस टू पावर एल प्लस बी एल आर एस टू पावर माइनस एल प्लस वन और वैल्यू आ गई पी एल कोस ऑफ थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसको मेंशन कर रही है, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस इक्वेशन के बेस पर अपन बहुत सारी एप्लीकेशंस हम स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों के सिलेबस में जो पार्ट आता है जो हमारे पास इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है या सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड है, वो पार्ट हमारे पास आता है कि भी किसी भी ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके बाहर यदि हमें पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर यदि है तो हमने पढ़ा है कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज दिया जाए जो भी चार्ज दिया जाए वो हमेशा कहाँ आता है, उसके सरफेस पे आता है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाए तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज हमेशा कितना होगा, ज़ीरो होगा। और अगर यदि हम किसी ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर की बात हम कर रहे हैं, ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ कि उसको ग्राउंड कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके सर्फेस के ऊपर जो पोटेंशियल है, सर्फेस के ऊपर जो विभव है, पृष्ठ के ऊपर जो विभव है, उसका मान भी क्या हो, ज़ीरो होगा, है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमें इस इक्वेशन के बेस पे करनी है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।